हेलो फ्रेंड्स, डेली एस्ट्रो टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं 9th और 12th हाउस की बात करूंगा। अगर सन और यूपिटर, सूर्य और गुरु दोनों इकट्ठे हैं तो क्या होगा परिणाम? तो एक कॉमन जो दोनों चीज़ों दोनों हाउसेज में है वो ये है कि इन दोनों ग्रहों का फल जातक की फैमिली और धन दोनों में वृद्धि करेगा, उन्नति देगा, प्लस बरकत देगा। मतलब फैमिली भी ग्रो करेगी और धन भी ग्रो करेगा इन दोनों ग्रहों के फल से। तो ये एक कॉमन ओवरव्यू है दोनों हाउसेस के लिए। अगर पर्टिकुलर मैं 9th हाउस की बात करूं तो इसमें जातक, हम कह सकते हैं, काफ़ी एथिक्स और प्रिंसिपल को, अपने प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला होगा। सम केसेस इसकी कुछ ड्रीम बड़े हो सकते हैं बट शायद फुलफिल ना हो, और जनरली ये अपने पिता की विशेष को पूरा करता है और सुखी जीवन व्यापन करेगा। कोई अड़चन नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी ऐसे जातक की संतान काफ़ी बुद्धिमान, हम कह सकते हैं काफी इंटेलिजेंट, हर हर एरिया वाइज उत्तम रहेगी ऐसे जातक की। ये पर्टिकुलर 9th के लिए था। और 10th, सॉरी 12th हाउस की पर्टिकुलर बात करूं तो इसमें जातक, हम कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम कह सकते हैं कि एनजीओस या कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर सकता है, और थोड़ा नैरो माइंडेड या अब्यूसिव लैंग्वेज हो सकती है ऐसे जातक की। वो पर्टिकुलर जातक की कुंडली देख के ही है कि क्या इसमें ऐसे बुरे या मंदे हालात हैं या नहीं है। तो ये बस जस्ट मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको। और यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ 9th और 12th हाउस के लिए। तो जो इसमें मैंने सबसे पहले पॉइंट बताया था वो कॉमन है दोनों के लिए, बाकी रेस्ट मैंने दोनों के लिए इंडिविजुअल बता दिया है। बाकी दोस्तों, मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं रेमेडीज़ के ऊपर बनाऊंगा। वो एक काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगी, सेम इसी की तरह 1.5-2 मिनट की वीडियो होगी। अगर किसी भी हाउस में ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और किसी और ग्रह के बुरे इफेक्ट या कुछ मंदे हालात चल रहे हैं तो उन केसेस में आप ये रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। ये रेमेडी सभी 12 घरों के लिए है। तो इसमें से आप कोई भी, काफ़ी सिंपल सी और छोटी सी रेमेडीज हैं, इसमें कुछ अलग से नहीं आपको करना है, तो आप फॉलो कर सकते हैं उसे। तो यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जस्ट मैं रेमेडी के ऊपर बना दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।